दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और ये जो खेत आप देख रहे होंगे, ये आपको जाना पहचाना खेत दिख रहा होगा। यहाँ हमने इससे पहले 1 जनवरी को एक वीडियो और बनाया था और वो आपने देखा था ग्राफ्टिंग ब्रिंजल का। तो ये सारे वही ग्राफ्टिंग ब्रिंजल के पौधे हैं जो जिनको छटाई करने के बाद में अब इनको ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन इसमें अभी भी इतना पावर बचा है कि ये ख़त्म नहीं हो रहा। आप लोग देख रहे होंगे पूरे फल अभी भी वैसे ही हैं। ये 6 महीने पहले मैंने 3 महीने पहले वीडियो बनाया था और उससे 6 महीने पहले का ये खेत है जिसमें फलन चालू है। तो ये होती है ग्राफ्टिंग, यानी कि इसके नीचे में एक जंगली ब्रिंजल होता है और ऊपर में हाइब्रिड को ग्राफ्ट किया जाता है। तो ये साधुराम जी, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उनको, उनका ये प्लॉट है। हम लोग वहाँ हैं अभी कल्याणपुर में और इनकी इनकी बातें अगर बताया जाए, उनका थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है। एक्चुअली कोविड का उनको अभी इंजेक्शन लगा हुआ है, इसके वजह से हमारे साथ में नहीं जुड़ पाए। और इनका जो कहना है वो करीब 15 लाख रुपये के आसपास इन्होंने आमदनी कर ली है और ये अभी कंटिन्यू करना चाहते तो ये कंटिन्यू होता। मतलब यानी कि एक बहुत अच्छी क्रांति है हमारे इस ग्राफ्टिंग को लेकर के। बहुत अच्छा, ऐसा कहें कि बैगन में एक नया रिसर्च है, बहुत अच्छी नया क्रांति आया हुआ है कि इस बैगन को साल भर हो गया है और अभी अगर रखना चाहते तो अभी और रखा जा सकता था। तो ये खास बात है इस ग्राफ्टिंग में। इसका जो जड़ है वो अलग है, मैं कहीं दिखाऊँ आपको। तो जड़ देख रहे हैं, ये नीचे का जो जंगली बैगन है वाइल्ड ब्रिंजल वो है और ऊपर में इसको किया गया हाइब्रिड। और इसको जोड़ने के बाद में आज इसकी उम्र लगभग 1 साल से ऊपर होने वाली है और देख रहे होंगे तो वैसी फ्रूटिंग अभी भी चालू है। जिस पे ग्राफ्ट की हुई है वो ये है, आप लोग देख रहे होंगे कम से कम इसकी हाइट 15 से 20 फीट की हाइट ले चुकी है। यह है जंगली बैगन और इस पे ग्राफ्ट किया हुआ है इस हाइब्रिड को। हाइब्रिड में कौन सा वैरायटी? दोस्तों अगर आप लोग भी खेती करते होंगे तो एक बार इस ओर ध्यान दे सकते हैं। रिसर्च बहुत, इनोवेशन बहुत आगे निकल गई है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। अभी जो खेती हो रही है ना वो बिल्कुल स्मार्ट खेती हो रही है। कोई भी पहले जैसे नहीं है कि क्यारी बना करके छोटे छोटे खेती, तो अभी पूरे स्मार्ट खेती लोग बड़े बड़े प्लॉट्स पर खेती कर रहे हैं, पढ़ लिख करके इस फील्ड में आ रहे हैं। तो अभी जो खेती है इसके बारे में हम लोग बात करें कि ग्राफ्टिंग, तो इसमें बहुत तेज़ी से इसमें रिसर्च हुए हैं। अगर आप लोग देख रहे होंगे तो जब मैं लास्ट वीडियो मैंने बनाया था तो इस पौधे की छटाई नहीं हुई थी, जो ये देख रहे हैं आप। इसकी जो हाइट थी वो करीब करीब 10 फीट से प्लस थी और अभी इनको छटाई करके इनको छोड़ दिया गया है, यानी कि इनको तोड़ने वाले नहीं हैं। इनका जो फसल है वो तोड़ने वाले नहीं हैं, तो इस वजह से इनको खेत पर ही छोड़ दिया गया है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला इनको और मुझे लगता है बहुत अच्छे सक्सेस फार्मर भी हैं, बहुत अच्छी जानकारी भी इन्हें। आपको ग्राफ्टिंग के बारे में कितना नॉलेज है प्लीज़ शेयर करिएगा मुझसे। अगर आपको भी इसके जो जिस पे ग्राफ्ट करते हैं उसके सीड चाहिए होंगे तो हमारे पास अवेलेबल है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहाँ से ले सकते हैं। और ग्राफ्टिंग आपको करनी होगी या फिर आप रायपुर के चावड़ा बाग से संपर्क करके वहाँ से पौधे ले सकते हैं। अगर आप आसपास छत्तीसगढ़ के हैं तो यहाँ से ले लीजिए और नहीं तो फिर आपको खुद ग्राफ्टिंग करनी होगी। मुझे लगता है एक सक्सेसफुल किसान होने के लिए आपको भी बहुत कुछ दिमाग पे लेकर के चलना होगा, बहुत कुछ सोचना होगा। दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक हफ्ता पर आए थे कंपनी वाले वहीं से रायपुर से। अच्छा, देख के बोले कि विश्वास नहीं रहे हम लोग को इतना दिन तक है कहीं नहीं, ये किसी का नहीं है लेकिन ये बचा है। बहुत आए थे घुमाया हम लोग को। अब बताइए इतना बढ़िया फसल को छोड़ दिया है कि नहीं सक पा रहे तोड़ने। गर्मी वाला